नहीं है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब हम लोग उस वेदों की जो है जिसमें स्वर्ग लोक का इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, यदि हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो उस स्वर्ग की स्थिति को समझ जाते हैं, हम इस संसार की स्थिति को समझ जाते हैं। संसार में जो है हर व्यक्ति क्या है, संसार संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है, इसमें क्या चीज है जो प्राप्त करने लायक है, बताइए, एक चीज बता दो जो आपको सुख दे सकती है। पहले तो ये जान लेना चाहिए कि संसार की हर वस्तु जल वस्तु है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पांच तत्वों से बनी हुई है, ये अपने आप में जड़ है, तो जड़ किसी चेतन को क्या आनंद देंगे, पहले हमें समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, समझ रहे तो बोलो हरे कृष्णा, तो समझने का प्रयास करो। संसार की हर वस्तु कैसी है, जड़ है, और जो जड़ वस्तु है वो अपने आप में नीरस है, समझ रहे ना। ये हमारा शरीर भी केवल आत्मा के कारण ये सुंदर दिखाई दे रहा है, जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन इसको देखना भी नहीं चाहेंगे, जिसको आज हम गले लगा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, वही शरीर जब उसमें से आत्मा निकल जाएगी, स्फुलिंग एक कण छोटा सा अणु है, वो निकल जाएगा बाहर, फिर भाई देखना भी अरे उसको ढंग तो क्या हुआ भाई, अब गले क्यों नहीं लगा रहे उसको, बोलो नहीं नहीं ये तो चलाने में कुछ भी नहीं गया, सब कुछ शरीर का एक एक अंग उसका वही है, और जो चला गया वो आज तक आपने देखा नहीं था, है कि नहीं। तो इसलिए शरीर में या संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें आनंद देगी, जिसको हमने आनंद देख मान लिया है, वही जो इस चीज से परे हो चुके हैं उनके लिए विस्तृत स्वरूप होती है, वो देखना भी नहीं चाहिए। सिद्धांत को ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत नहीं समझेंगे तो ऐसी मारे मारे भटकते रहेंगे, कहां हमारा मन भटक जाएगा, अरे ये चाहिए, अरे ये चाहिए, अरे भाई ये चाहिए है? तो इस संसार की कोई भी वस्तु ले लो भाई, सब जड़ वस्तुओं से बनी, और जड़ जड़ है, कोई आनंद नहीं दे रही, आनंद हमने मान लिया है उसने कि आनंद दे रही है कि नहीं। वास्तव में जैसे बहुत से शराब पीते हैं तो शराबी व्यक्ति को शराब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो शराब नहीं पीता उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, यदि शराब में आनंद होता तो सबको आनंद देती, केवल शराबी को ही आनंद नहीं देती, वो सबको आनंद देती। तो इसलिए सिद्धांत क्या है, किसी चीज में हमने उसको अपने मन में बिठा लिया है तो हमें अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसके दिमाग में वही वस्तु के प्रति निगेटिव थिंकिंग हो जाए, वही वस्तु जो आज प्रिय लगती थी कल उसके लिए बिल्कुल देखने लायक नहीं रहेगी, तो ये समझना चाहिए इस बात को, संसार की स्थिति को समझ लो ठीक। संसार किससे बना है, पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, समझे ना, सारी सृष्टि चाहे हमारा शरीर है चाहे कुछ भी देख लो, संसार के अंदर ये पांच तत्व से बना है, और ये सारी की सारी जड़ है, और जड़ वस्तु कोई भी आनंद नहीं दे सकती, इसलिए आज कोई भी आनंद में नहीं है। वस्तुएं बहुत हैं, संसार का फैसिलिटी कम नहीं है, लेकिन जीवन में क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं है, आनंद नहीं, वस्तुओं की कमी नहीं है हमारे पास में, लेकिन आनंद नहीं। इसलिए जो चीज हम खोज रहे हैं संसार में वो मिल नहीं रही, वो मिल नहीं रही, आज तक हम खोजते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खोजते आ रहे हैं, हम भी खोज रहे हैं, अपने बच्चों से कह रहे हैं तू भी बेटा ऐसे खोजते रहे, मुझे संतोष नहीं मिला, मुझे सुख नहीं मिला, ऐसी तड़प तड़प करके मैं मर रहा हूँ, तू भी यही कार्य कर, तुझे भी सुख नहीं मिलेगा, उसको अपने बच्चे वही बोलते तू जो है यही कार्य कर, तुझे भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा बुद्धि से काम लो,
एक मनुष्य में पशु में क्या अंतर होता है कौन बताएगा? पशु मनुष्य को कैसे अलग करेंगे?